इस संसार में तीन ऐसी चीजें हैं जो एक बार निकल गई वापस लौट कर नहीं आती। एक तो धनुष से निकला हुआ बाण, एक हमारे शब्द, और तीसरा है जो बच्चा पैदा हो गया वो वापस लौट कर नहीं जा सकता। जो शब्दों के बाण हैं, अगर इन पर नियंत्रण ना रखा जाए तो यह पूरा घर संसार बर्बाद करके रख देते हैं, और यह शब्द रूपी बाण आपका परिवार, हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर देता है। कथा इस प्रकार से है, एक गांव था जहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में संपूर्ण खुशियां थी, उसका विवाह हुआ, धर्मपत्नी साथ रहने लगी। पतिवर जो थे वह थोड़े छोटे थे और पत्नी थोड़ी लंबी थी, दोनों को साथ पसंद नहीं था। एक बार वह नदी के किनारे घूमने जाते हैं और पत्नी पीछे से पति को धक्का दे देती है और पतिवर दूर चले जाते हैं। पत्नी ने समझा कि अब तो इनका काम हो गया और वह अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर खुशियों भरा जीवन जी रही होती है। इधर उधर घूमना फिरना, जो खाना पीना, मौज मस्ती से जी रही होती है। इधर नदी से बहते हुए उनके पति देव शहर पहुंच गए। शहर में मछुआरों ने उन्हें बचाया, कुछ दिन खाना पीना खिलाया, कुछ जख्म थे वह भी भर गए। शहर में एक नौकरी मिली, धीरे धीरे करके वह एक साहूकार बन गया। कुछ दिन बाद उसे अपना बोध आया कि मेरी एक पत्नी भी है। वह घर वापस आए और सीधा अपने ससुराल गए। ससुराल वाले देखकर हैरान हो गए कि इनकी कभी आने की इच्छा ना थी, हम तो समझे नदी में बह गए होंगे। परंतु उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बैंड बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। घर में आए, अनेकों व्यंजन बने। जो पति था पहले वह गरीब था, परंतु आज एक साहूकार था। उसकी पत्नी उसके साथ महल में रहने लगी। कुछ दिन पश्चात उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका भी विवाह हुआ। अब एक दिन जो साहूकार था वह भोजन कर रहा था और जो सेठानी थी वह बगल में बैठी हुई थी। साहूकार मुस्कुरा रहा था। बहू को ये पसंद नहीं आया। बहू को लगता है कि मेरे बारे में कुछ ताना मारा होगा, मन में कोई उछल कूद चल रही होगी। यही सोचकर बहू बेटे के पास गई, कहने का अर्थ है पति के पास। सारी रात सोने नहीं दिया। कहने लगी कि आज पिताजी क्यों मुस्कुरा रहे थे, इसका राज बताओ, अन्यथा मुझसे दूर हो जाओ। पति देव बहुत परेशान हुए। सुबह सुबह उठकर पिताजी के पास पहुँचे और पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, बहू ने, आपकी बहू ने मुझे बहुत परेशान किया है, कृपया कर इसका समाधान निकाले। तो पिताजी कहते हैं, बोलो बेटा, घबराओ नहीं। पिताजी, रात को आप क्यों मुस्कुराए थे, इसका कारण बताओ। पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात है, इसे भूल जाओ। बेटा कहने लगा, आप तो जानते ही हैं, अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो पिताजी कहते हैं, मुझे सौगंध दो कि यह बात किसी और को नहीं बताओगे तो मैं यह तुम्हें बात बताता हूँ।